फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्थ टॉक जो कि रहने वाली है स्वाइन फ्लू के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपके पास आएगा आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, टॉपिक, टाइम ड्यूरेशन, डेट, लैंग्वेज और ऑडियो विजुअल एड्स लिख लोगे। फिर आएगी आपके टॉपिक की इंट्रोडक्शन, तो आपने ऐसे को इंट्रोडक्शन लिख लेनी है कि स्वाइन फ्लू क्या है। हमारा इज़ नोन एज H1N1 वायरस एंड इट इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट कोजेज सिम्टम्स सिमिलर टू द रेगुलर फ्लू एंड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पिग्स बट इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्वाइन फ्लू मेन हेडलाइंस इन 2009 व्हेन इट वाज फर्स्ट डिस्कवर इन ह्यूमंस, ठीक है। और उसके बाद आपने सारे मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो आपने लिख लेनी है। और अगर आपको अच्छे से विजुअल नहीं होगा ना, तो आप क्लैरिटी इंक्रीज़ कर लेना अपने फ़ोन की, तो आई होप आपको अच्छे से दिख जाएगा तब। फिर आएंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, तो एट द एंड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्वाइन फ्लू एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इंक्रीज देयर नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस रिगार्डिंग द स्वाइन फ्लू। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन पीपल विल बी एबल टू डिफाइन swine flu, to analyze the cause of swine flu, to analyze the signs and symptoms of swine flu, to explain about the preventions of swine flu, to explain about the risk factors of swine flu, to explain about the treatment of swine flu। देखिए कैसे आएगा, सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी, एवीएस एंड इवेल्युएशन। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर 1 लिखोगे। यहाँ पे आपने 1 मिनट के लिए क्या करना है, टाइम पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखोगे, डिफाइन स्वाइन फ्लू, उसकी डेफिनेशन लिखोगे। स्वाइन फ्लू इज़ अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय H1N1 वायरस एंड इट इज़ स्प्रेड इन प्राइमरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी में डिस्कशन करोगे, एवियर्स नहीं लिखोगे। वैल्यूएशन में पीपल विल बी एबल टू नो अबाउट द स्वाइन फ्लू एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप लिखोगे 1.5 मिनट के लिए टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ स्वाइन फ्लू। कॉजेज में आपने ये सारे कॉज आपने लिख लेना, स्वाइन फ्लू किस चीज़ की वजह से कॉज होता है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। और इसमें हमने टीचिंग या लर्निंग एक्टिविटी में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है। एवियर्स हमने पैम्पलेट्स का यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे 2 मिनट के लिए टू एक्सप्लेन अबाउट हाउ इट ट्रांसफर एंड इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन बाय इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट कंटेनिंग वायरस फ्रॉम पीपल स्नीजिंग एंड कफिंग। आप ये लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमने टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन कर लेनी है, पूरे में कर लोगे आप यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे आपने नहीं लिखना है कुछ भी। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा 3 मिनट के लिए टू एनालिस्ट द हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे। हाई रिस्क ग्रुप इंक्लूड द, यहाँ पर ये सब लिख लोगे आप, और ये सारा ही हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आएगा द पीपल, ये आगे इसके साथ कंटिन्यू होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपके पास आएगा 5 मिनट के लिए टू एनालाइज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कफ, फीवर, स्टफी और रनी नोज, बॉडी एक, हेड एक, चिल्स, फटीग, ड्राई कफ, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया लाइक द रेगुलर फ्लू, स्वाइन फ्लू कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, साइन एंड सिम्टम्स। और यहाँ पे आपने एवियर्स फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। हमने फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया था और साथ में पैम्पलेट्स का यूज़ किया है। और यहाँ पे इवैल्यूएशन में पीपल विल बी एबल टू एनालिस्ट अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ स्वाइन फ्लू। सिक्स नंबर पे 1 मिनट के लिए टू एक्सप्लेन अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या रहेगी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, वाइटल साइंस ले लो, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, सारे आ जाएंगे। सेवन्थ नंबर पे आपका रहेगा टू एक्सप्लेन अबाउट द मेडिकेशन फॉर स्वाइन फ्लू। 5 मिनट के लिए मैनेजमेंट में मेडिकेशन, एंटीवायरल ड्रग देंगे, कफ मेडिसिन देंगे, डी कंजेस्टेंट्स देंगे, एनाल्जासिक्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्लोक्सविन देंगे। यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन लिख लोगे आप, ठीक है। ये आपका 8th नंबर पे होम रेमेडीज़ आएगा। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, गार्लिक का, ठीक है। गार्लिक आपने इसमें बता देनी है होम रेमेडी के अंदर, ये गार्लिक का आप लिख लोगे, ठीक है। जिंजर के बारे में लिख लेना है, जिंजर कैसे प्रिवेंट करेगी, टर्मेरिक कैसे प्रिवेंट करेगा, इसके अंदर आपने लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है। यहाँ से कंटिन्यू किया है इन्होंने। फिर हमारा आएगा एलोवेरा। एलोवेरा को भी कंसीडर किया गया है गुड इम्यूनिटी बूस्टर, टेकिंग 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल जूस विद ल्यूक वॉर्म वाटर एंड वंस इन अ डे कैन हेल्प टाइट द इन्फेक्शन इंक्लूडिंग स्वाइन फ्लू सिम्टम्स लाइक जॉइंट पेन। इंडियन गूसबेरी, यहाँ पर ये लिख लोगे आप। इवेल्युएशन में लिखोगे एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ स्वाइन फ्लू,
9th नंबर पे आएगा 2 मिनट के लिए। 12 रवा द प्रिवेंशन ऑफ स्वाइन फ्लू, प्रिवेंशन क्या रहेंगे आपकी, अवॉइड क्लोज कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट आएगा यहाँ पे, एंड स्टे होम व्हेन पर्सन इज सिक, कवर द माउथ एंड द नोज विद द मास्क, वॉश एंड थ्रो आउट द डे विद सोप एंड वाटर और यूज एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, अबाउट टचिंग आई नोज एंड माउथ, अवॉइड पीपल हु आर साइड एंड अवॉइड स्नीजिंग एंड कफिंग विद आउट हैंकी एंड नैपकिन, अवॉइड टू बी पार्ट ऑफ क्राउडेड प्लेस। फिर हमने यहाँ पे 30 सेकंड के लिए वैक्सीन वगैरह लिख लेनी है हमने। वैक्सीन में हम लिखेंगे नेजल स्प्रे वैक्सीन वॉज अप्रूव्ड फॉर द यूज़ इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, तो आपने यहाँ पे ये लिख लेना है, यहाँ पे ये देखिए। उसके बाद आपने समराइजेशन करनी है, कैसे समराइज़ करोगे, पूरा H1N1 वायरस के बारे में बताना है, ये देखिए अच्छे से दिख रहा होगा आई होप, अगर नहीं भी दिखेगा कमेंट में बता देना। और नया टॉपिक कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग नया जो वीडियो होगी वो भी बता देना कमेंट में। फिर कंक्लूज़न लिखोगे। आई होप दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, आप मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। लास्ट में हमने रिकैप्चुलाइजेशन देनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो डेट इज़ स्वाइन फ्लू। बाय बाय।